हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। हमने पिछली क्लास में आपको एक इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था जिसमें हमने बताया था कि बहुत ही जल्द एमपी गवर्नमेंट पीईबी के माध्यम से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करने वाली है आईटीआई टीओ की, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की। उसमें हमने बताया था कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, कौन कौन से कैंडिडेट उस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, उसके सिलेबस कैसा होगा। साथ ही साथ हम अपने टारगेट सेट किए थे कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए किस प्रकार से यूजफुल हो सकते हैं। तो उसी में हमने बताया था कि एमपीजी की क्लासेस हमारी रनिंग है ऑलरेडी, जीएस की क्लासेस रीता मैम ले रही हैं वो भी रनिंग है, उसके लेक्चर प्रॉपरली चल रहे हैं। उसी सीरीज में आगे हमने बताया कि बहुत ही जल्द कंप्यूटर साइंस की क्लासेस भी आने वाली हैं। तो आज उसी सीरीज की पहला लेक्चर क्या है, बेसिक कंप्यूटर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा को एज अ इनपुट लेता है और उस पर प्रोसेस करने के बाद में इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। आ रही बात समझ में, कि डेटा को लेता है या फिर हम ये बोलें कि इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है, उस इनपुट पर प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, क्या करता है, इनपुट लेता है, इनपुट पर क्या करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है। आ रही समझ में, इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट जनरेट करना। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब बात है कि डेटा क्या होता है, तो डेटा जितने रॉ फैक्ट्स या फिगर होंगे, हम किसी भी रॉ फैक्ट्स या फिगर की बात करें तो वो क्या कहलाएंगे, डेटा कहलाएंगे। डेटा इज अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, तथ्य तर्क या कोई भी संख्या हो वो क्या कहलाएगा, हमारे लिए एक डेटा होगा। अब इस डेटा पर जो भी प्रोसेस होगा, अब प्रोसेस तो होगा लेकिन प्रोसेस करेगा कौन, तो प्रोसेस करने का काम किसका है, सीपीयू का। ठीक है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इंफॉर्मेशन क्या होगा, तो डेटा विच कन्वे यूजफुल मीनिंग कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ऐसा डेटा जो एक पर्टिकुलर मीनिंग कन्वे करे, मतलब कुछ हमको ऐसा डेटा इंफॉर्मेशन दे, क्या वो क्या कह सकते हैं, उसको हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि फिर एक मीनिंगफुल डेटा कन्वे करे, इंफॉर्मेशन होगा। क्लियर बात, बिकॉज कंप्यूटर इज अ मशीन। अब हमने बताया कि कंप्यूटर तो एक मशीन है, वो सोच समझ नहीं सकता है ना, उसको जो भी हम इनपुट देंगे, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे थ्रू इनपुट डिवाइसेस, उस पर क्या करेगा, वो डेटा वो क्या करेगा, उस पर प्रोसेस करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। तो बिकॉज कंप्यूटर इज अ मशीन, सो कंप्यूटर कैन डू एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। मतलब कि अब हम भी कंप्यूटर से इंटरेक्ट कैसे हो सकते हैं, कंप्यूटर से हम डायरेक्टली इंटरेक्ट तो हो नहीं सकते, उसके लिए हमको क्या, एक मीडिएटर चाहिए होगा। तो मीडिएटर कौन होगा, वो होगा कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर। तो हम बात करेंगे किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की, किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये प्रोग्राम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कंप्यूटर क्या करता है, सब कुछ कर सकता है लेकिन जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हम जो भी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करेगा, तब जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो। मतलब कि यूजर, मतलब हम और कंप्यूटर दोनों के बीच में मीडिएटर एक होगा, तभी हम कंप्यूटर पर वर्क इजिली परफॉर्म कर पाएंगे। अरे समझ में, अब क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में कुछ बेसिक कंप्यूटर से, ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर का पितामह कौन है, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। द फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज ने जो पहला कंप्यूटर बनाया था, उसका क्या नाम दिया उन्होंने,
एनालिटिकल इंजन, उसे क्या बोलते हैं? एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। और बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय वॉन न्यूमैन। कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर था वो किसने डेवलप किया था? वॉन न्यूमैन ने किया था। वॉन न्यूमैन, आ रही बात समझ में? बेसिक कंप्यूटर का, कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर किसने डेवलप किया था? वॉन न्यूमैन। ये परीक्षा में क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर, इट्स कॉल्ड चार्ल्स बैबेज, एंड बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय वॉन न्यूमैन। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर के सिद्धांत की। तो अभी हमने बताया कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट एक्सेप्ट करता है, उस पर प्रोसेस करता है, और क्या करता है? आउटपुट जनरेट करता है। तो इनपुट क्या होंगे कंप्यूटर के लिए? सभी रॉ फैक्ट्स और फिगर। इनपुट लेगा किससे कंप्यूटर? इनपुट किससे लेगा? तो जवाब होगा इनपुट डिवाइस से। इनपुट डिवाइस से। अब इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, यहाँ पर हल्का थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ, इसकी एक अलग क्लास होगी। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग यूनिट, की तीनों की एक अलग लेक्चर होगा, अगले वीडियो में आएगा। अभी केवल देख लिया हल्का हल्का कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। जैसे हमने बोला कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, OCR, OMR, ठीक ना, MICR, ये सभी क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। आ रही बात समझ में? अब इन इनपुट डिवाइसेस से हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे। हर इनपुट डिवाइस का अपना अलग अलग रोल है। जैसे कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड हम क्या करते हैं, इससे हम कैरेक्टर्स एंटर करते हैं, ठीक ना, डिजिट्स एंटर करते हैं। लेकिन माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, केवल वो ओके क्लिक के थ्रू उसको क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। तो जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं सबका अपना अलग अलग वर्क है। ओके, प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है कि जो इनपुट आया उस पर वर्क परफॉर्म करना, उस पर वर्क परफॉर्म करना। जो वर्क परफॉर्म करेगा वो किसके थ्रू करेगा, वो किसके थ्रू या कौन करेगा, वो करेगा हमारा सीपीयू, और किसके थ्रू करेगा, वो होगा एप्लीकेशन के थ्रू। एप्लीकेशन छोड़ो, किसके थ्रू करेगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक, वो किसके थ्रू करेगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू करेगा। जनरेट क्या होगा, आउटपुट जनरेट होगा। आउटपुट जनरेट होने के बाद, आउटपुट जनरेट होने के बाद हमको समझ में कैसे आएगा, दिखाई कैसे देगा, वो दिखाई देगा आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, मॉनिटर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्लॉटर वो स्पीकर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। यहां भी सेम चीज है कि जिस प्रकार से सभी इनपुट डिवाइसेस का अपना अपना अलग अलग रोल था, उसी प्रकार से प्रत्येक आउटपुट डिवाइस का, हर आउटपुट डिवाइस का अपना अलग अलग रोल होगा। ठीक, तो कुल मिलाकर आउटपुट क्या होता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ही क्या होता है, आउटपुट होता है। रॉ फैक्ट एंड फिगर क्या होते हैं, इनपुट होते हैं, ठीक है, या इनको क्या बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं डेटा। रॉ फैक्ट एंड फिगर क्या होते हैं, डेटा होते हैं, जिस पर प्रोसेस होता है और इंफॉर्मेशन जनरेट होता है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर की, कंप्यूटर के जो कैरेक्टर्स हैं COMPUTER, इनके पर्टिकुलर मीनिंग क्या क्या है। तो सी स्टैंड्स फॉर, ऐसा कुछ उन्होंने कुछ डिफाइन नहीं है, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए ये कंप्यूटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया है, डेवलप किया गया, बनाया गया है। सी फॉर कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च, सामान्यतः प्रयोग में आने वाली मशीन, सामान्यतः प्रयोग में आने वाली मशीन
जो यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है किसके लिए? ट्रेड, व्यापार, शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए। आ रही बात समझ में? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये क्या है, इसकी मीनिंग है। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के पर्पज से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके पहले जो बताया था उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। से नाम से ही क्लियर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशन की, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर को जनरेशन के अकॉर्डिंग पांच जनरेशन में डिवाइड किया गया है। कितने जनरेशन में? 5 जनरेशन में। तो बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन का जो ड्यूरेशन था कितना था? 1946 टू 1956। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, इस यहां से क्वेश्चन बनता है क्या कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था, किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? तो हमारा जवाब होगा किसका? वैक्यूम ट्यूब का। यह क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। टेक्नोलॉजी पे जनरेशन का क्वेश्चन आ रहा है तो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन वहां पर बनेगा ही। तो फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। इसके अलावा इस जनरेशन में जो कंप्यूटर थे कौन कौन से थे? एनियक, एडवॉक और यूनिवॉक। क्या? एनियक, एडवॉक और यूनिवॉक। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर्स फुल फॉर्म। यहां से क्वेश्चन बनता है कि एनियक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, छोटी सी बात है, क्लियर है। एडवॉक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कैलकुलेटर, क्लियर है। यूनिवॉक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, सॉरी कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आगे बात समझिए। अब जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, वह साइज में बड़े थे, मतलब एक बड़े हॉल के साइज के थे, मतलब उसमें वो सीपीयू को ऐसे सेट किया जाता था। तो क्या है उसके फीचर क्या थे? साइज लार्ज इन साइज, साइज में बहुत बड़े, साइज में बहुत बड़े लेकिन स्पीड में बहुत ही स्लो, साइज में बड़े लेकिन स्पीड में स्लो। इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था, पंच कार्ड में यूज किया जाता था किसके लिए? इनपुट के लिए। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का, मैग्नेटिक टेप तो आप लोगों ने देखा होगा, जो टेप रिकॉर्डिंग जो कैसे लगती थी उसके ऊपर एक रील रोल होती थी, है ना, तो उसी को बड़े ड्रम में रखा जाता, उसी रोल को, उसी प्रकार के चौड़े रोल को क्या किया जाता था? एक बड़े ड्रम में रखा जाता था, जिसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ड्रम। तो स्टोरेज के लिए क्या होता था? मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। और जैसा बताया कि ये मशीन क्या थे? साइज में बहुत बड़े थे, साइज में बहुत बड़े थे, इसलिए ये इनमें हीट बहुत ज्यादा क्या होती थी? जनरेट होती थी। तो उसको कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए मशीन को किसका यूज किया जाता था? एसी का यूज किया जाता था। आगे का समझिए। अब चलते हैं सेकेंड जनरेशन की ओर। तो सेकेंड जनरेशन कब का ड्यूरेशन कब से कब था? 1956 टू 1964 तक। अब वैक्यूम फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। लेकिन सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या आ गया? ट्रांजिस्टर आ गया। क्लियर है बात? वैक्यूम ट्यूब की जगह किसका यूज किया गया? ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। अब इस टेक्नोलॉजी के कारण जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी वैसे वैसे हमारे कंप्यूटर कॉम्पैक्ट होते जाएंगे, थोड़े छोटे अब बोल दें तो साइज में स्मॉल होते जाएंगे। तो ट्रांजिस्टर का यूज किया तो क्या हुआ? हमारी जो कंप्यूटर मशीन थी फर्स्ट जनरेशन कंपेयर में क्या हुई? थोड़ी छोटी हो गई, स्मॉल इन साइज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। डेवलप कोबोल, डेवलप्ड कोबोल एंड फोरट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन में कोबोल और फोरट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन शॉर्ट फॉर्म है फोरट्रान का, वो फॉर्मूला ट्रांसलेशन का शॉर्ट फॉर्म है फोरट्रान। तो किस लैंग्वेज को डेवलप किया गया? कोबोल और फोरट्रान को। किस जनरेशन में? सेकंड जनरेशन। क्वेश्चन यहां से बनता है कि सेकंड जनरेशन में किस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था? कोबोल, सी, सी प्लस प्लस, जावा। तो अपना आंसर देना क्या? कोबोल या फोरट्रान।
बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन का ड्यूरेशन कितना था 1965 to 71। इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया? आईसी का यूज किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। एक इंटीग्रेटेड सर्किट इक्वल टू 300,000 वैक्यूम ट्यूब। एक इंटीग्रेटेड सर्किट किसके बराबर होता था? 300,000 वैक्यूम ट्यूब के बराबर होता था। इसलिए जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, वैक्यूम ट्यूब कहाँ यूज किया गया था? फर्स्ट जनरेशन यूज किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो साइज में बहुत बड़े थे, उसके कंपेयर में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर क्या हुए? साइज में बहुत छोटे हो गए। क्यों? क्योंकि आईसी का यूज हुआ। एक आईसी इक्वल टू क्या हो गया? 300,000 वैक्यूम ट्यूब हो गया। ठीक है, 300,000 वैक्यूम ट्यूब हो गया। स्मॉल साइज भी क्या थे? स्मॉल थे, किसके? फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में। और ये कंप्यूटर क्या हो गए? अब पोर्टेबल होने लगे, मतलब इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजीली पोर्ट किया जा सकता था, ले जाया जा सकता था। आ रही बात समझ में? सॉरी कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, कीबोर्ड ने शायद सपोर्ट नहीं किया। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। तो फोर्थ जनरेशन का ड्यूरेशन क्या था? 1971 to 1985 तक। अब आईसी के स्थान पर, आईसी की जगह पे किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म VLSI, एब्रिविएशन पूछता है इसका परीक्षा में, ठीक ना, कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा? VLSI का फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, CPU ऑन अ चिप। अब इसी VLSI के कारण, VLSI टेक्नोलॉजी के कारण जो हमारा CPU था, जो भी अलमारी या रैक में सेट होता था, वो किस पे आ गया? एक छोटी सी प्लेट के ऊपर आ गया, चिप के ऊपर आ गया। आरी भाषा में CPU ऑन अ चिप, जिसको क्या बोला गया? इसका कॉल जिसे क्या बोलते हैं CPU को चिप पे आने के कारण, उसको क्या बोला गया? माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेसर CPU क्या है? प्रोसेसर है। जब छोटी सी प्लेट पे आ गए तो हमने उसको क्या बोला? माइक्रो प्रोसेसर। जब माइक्रो प्रोसेसर हम इस CPU को बोले, तो इस जनरेशन में जो कंप्यूटर डेवलप किए गए उसको क्या बोले? हमने माइक्रो कंप्यूटर बोला। आ रही बात समझ में? पहला माइक्रो कंप्यूटर Altair, पहला माइक्रो कंप्यूटर Altair डेवलप किया गया किसके द्वारा? MITS कंपनी के द्वारा। पहला माइक्रो कंप्यूटर Altair किसके द्वारा डेवलप किया गया? MITS कंपनी के द्वारा। इसी Altair कंप्यूटर पर, बिल गेट्स ने क्या किया था? बेसिक लैंग्वेज को यूज किया था। अरे बात समझ में? बेसिक लैंग्वेज को, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। आ जाओ समझ में? बेसिक का फुल फॉर्म क्या हुआ? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसी माइक्रो कंप्यूटर पे, Altair माइक्रो कंप्यूटर पे, बिल गेट्स ने क्या किया था? बेसिक लैंग्वेज को यूज किया था। इसके जस्ट बाद उन्होंने क्या किया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को की स्थापना की थी। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक, क्या है? लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जो आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज कर रही है। अरे बात समझिए? सो बिल गेट्स वॉज कॉल्ड ऑनर ऑफ कंप्यूटर, इसी कारण बिल गेट्स को क्या बोला जाता है? ऑनर ऑफ कंप्यूटर। आ रही बात समझ में? माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर के जो ऑनर फाउंडर हैं कौन है? बिल गेट्स हैं। इनको क्या बोला जाता है? ऑनर ऑफ कंप्यूटर ही बोला जाता है। इन्होंने सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर क्या किया था? बेसिक लैंग्वेज को यूज किया था। बेसिक लैंग्वेज का फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे यहां से, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, लेकिन एब्रीविएशन यानी फुल फॉर्म के रिस्पेक्ट में सोचें
जनरेशन के इसमें सोचें, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के रिस्पेक्ट में अगर हम बोलें तो इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन बनता ही है। ठीक, अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन और लास्ट जनरेशन पे। लास्ट जनरेशन कब से कब तक मानी गई है? 1985 टू ऑनवर्ड, मतलब 1985 से अब तक जो जनरेशन चल रही है वो कौन सी है? फिफ्थ जनरेशन की। इसी जनरेशन में क्या हुआ था? लैपटॉप, पॉम टॉप, डेस्कटॉप का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई? अल्ट्रा ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। किस टेक्नोलॉजी यूज किया गया? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। ठीक, या हम बोले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किस जनरेशन में किया गया? फिफ्थ जनरेशन में। यहां से क्वेश्चन बनता है, AI टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन विच जनरेशन? तो फिफ्थ जनरेशन, या यूज इन विच जनरेशन? AI टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन विच जनरेशन? तो फिफ्थ जनरेशन। VLSI फोर्थ जनरेशन, ULSI फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, IC थर्ड जनरेशन, लैपटॉप, पॉम टॉप और डेस्कटॉप। इसी जनरेशन में लैपटॉप, पॉम टॉप और डेस्कटॉप को भी क्या किया गया? डेवलप किया गया था। अब बात करें सुपर कंप्यूटर की, अगर तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर CDC 16600 था। CDC कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन 6600, CDC 6600 वॉज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन वर्ल्ड वाइड, रिलीज इन 1964। क्वेश्चन ही बनता है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था या कौन सा है? तो CDC 6600। आर यू आसमी डेवलप बाय कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। ठीक ना, कंपनी का नहीं, का ही नाम है ये। और कब रिलीज किया गया था? 1964 में। और अगर हम बात करें भारत की, इंडिया की, तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जो कि डेवलप किसके द्वारा किया गया? सीडेक हमारे यहाँ क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसका ही फुल फॉर्म याद रखिएगा, परीक्षा में कभी ना कभी आया भी है इसके पहले, हो सकता है आ जाए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये हुई क्या? पांच जनरेशन। अब बात करते हैं हम ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर के, या उसके लॉजिकल स्ट्रक्चर की, कि कंप्यूटर किस प्रकार से वर्क करता है। तो देखिए यहां पर जैसे क्लियर है कि इनपुट यूनिट ये हमारा CPU और ये आउटपुट यूनिट जो हमको दिखता है, कंप्यूटर रहता है, डेस्कटॉप स्क्रीन रहती, मतलब मॉनिटर रहता है, साथ में उसके क्या रहता है? CPU होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ये चार चीजें हमको नॉर्मली देखने को मिलती है। तो जो CPU है, सॉरी, जो कीबोर्ड है वो क्या है? इनपुट यूनिट है। जो हमारा माउस है वो क्या है? इनपुट यूनिट है। कहीं कहीं आपने देखा होगा स्कैनर भी रखा होता है, तो स्कैनर क्या है? इनपुट यूनिट है। ठीक है, कैमरा अगर हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है? इनपुट यूनिट है। तो ये सभी क्या है? इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। ठीक, कंप्यूटर बोले तो CPU को, तो हमारे CPU पास में क्या गया? इंस्ट्रक्शन गया। अब CPU में क्या होता है? एक्चुअली जो ऐसा हमारा कंप्यूटर डिवाइस होता है, तो जो हमारा CPU है, ये हम इसको क्या बोलते हैं? CPU। लेकिन एक्चुअल में ये CPU नहीं होता। क्या? ये एक्चुअल में CPU नहीं होता, बल्कि ये CPU कैबिनेट होता है, या CPU होल्डर होता है, जो CPU को होल्ड करके रखता है। आरी बात समझ में? ये क्या होता है? CPU कैबिनेट होता है। ठीक, तो किसको ये इन्फॉर्मेशन गई? कहाँ पे? हमारे CPU के पास में। CPU के अंदर या फिर CPU कैबिनेट के अंदर क्या क्या होता है, या हम CPU का बोले तो कंट्रोल यूनिट और एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU और ALU। CU और ALU CPU के दो भाग हैं। कौन कौन से? CU कंट्रोल यूनिट और
एएलई अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दोनों के अपने अलग अलग वर्क है, इसको हम अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे, ठीक ना, कि कौन सा क्या कार्य करता है। फिर ये सीपीयू जो है, ये हमारे जो कंट्रोल यूनिट और एएलई जो है, ये मेमोरी यूनिट से क्या करता है, कॉन्टेक्ट करता है, उससे क्या है डेटा लेता है, डेटा उसको फैच करता है और डेटा उसमें स्टोर करता है। ये मेमोरी यूनिट की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, रैम की, ठीक ना, मतलब क्या प्राइमरी मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या करेगा उससे, सीपीयू के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा, इनपुट डिवाइस के द्वारा दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस करेगा थ्रू हेल्प ऑफ रैम, और प्रोसेस करने के बाद में जो आउटपुट जनरेट होगा उसको कहां पे डिस्प्ले करेगा, आउटपुट यूनिट पे डिस्प्ले करेगा। साथ ही साथ एक चीज और होती है, जो कि होती है क्या, हमारी स्टोरेज, क्या होती है स्टोरेज, ठीक, इस स्टोरेज से ही कंट्रोल करता है डेटा को फेच करने और डेटा को पोस्ट करने के लिए, आ रही बात समझ में, कि जो भी आउटपुट जनरेट होता है उसको फाइनली कहां स्टोर करेगा, हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर करेगा। तो हार्ड डिस्क क्या है, हमारा स्टोरेज डिवाइस है, जैसे यहाँ मेमोरी यूनिट हम बात कर रहे हैं रैम की, और स्टोरेज डिवाइस बात कर रहे हैं अपने हार्ड डिस्क की। तो ये है हमारे कंप्यूटर का लॉजिक स्ट्रक्चर या ब्लॉक डायग्राम। इसकी एक एक चीज हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे, क्या इनपुट डिवाइस होते हैं, क्या आउटपुट डिवाइस होते हैं, क्या सीपीयू होता है, क्या स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास कंप्यूटर की, या बेसिक कंप्यूटर क्लास। अगले क्लास में हम बताया कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू और उसके जो पार्ट्स हैं, यानी कंट्रोल यूनिट और एएलयू के बारे में बात करेंगे। तब तक आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।